राइट। साथ ही साथ जो सम ऑफ लिमिट है वो क्वेश्चन इजीली मिलते हैं एग्जाम में, और लैंग्वेज के भी क्वेश्चन इजीली एग्जाम में मिलते हैं, और ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत मात्रा में, अच्छे एक्सटेंड में मिलते हैं। तो अच्छा टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने शायद प्रोजेक्ट नहीं किया है, प्रेजेंट नहीं किया, कर देता हूं मैं। शो हो रही है बेटा स्क्रीन? यस ओके, चलिए। तो सम ऑफ लिमिट की बात कर रहे हैं। सम ऑफ लिमिट का आपको आइडिया होगा। आइडिया कैसे होगा, ये आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है। अब इस कर्व का एरिया फिगर आउट करना था। अब इस कर्व का जब एरिया फिगर आउट करना था, तो इसके कोई कर्व का कोई मेथड तो था नहीं, कोई फॉर्मूला तो था नहीं जनरल सा। तो हमने कुछ दिमाग चलाया। दिमाग क्या चलाया, इसकी बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स फिगर आउट की। जैसे कि आपको मालूम होगा, रिजिड बॉडी में आप करते आए हो फिजिक्स में, वहां पे आपको सिखाया गया होगा, और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ही वही होता है। तो इतनी पतली पतली स्ट्रिप फिगर आउट की कि जिससे ये ऊपर का जो एरिया हो, यानी ऊपर की जो लेंथ हो, हाइट हो, विड्थ हो, या जो भी आप इसको कहोगे, वो लेंथ लगभग अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट हो जाए। क्या हो जाए, स्ट्रेट हो जाए। तो हमने क्या किया, ये एक्स से ए है, तो इस फंक्शन की, यानी इस वाले की अगर मैं बात करूं, तो एक्चुअली ये यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक के लिए एफ ए हो गया फंक्शन। यानी कि अगर मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूं, तो ये लेंथ कितनी हो गई, दैट इज एफ ऑफ ए हो गई। लेकिन अगर मैंने एक स्ट्रिप, जो ये स्ट्रिप है, ये काफी चौड़ी स्ट्रिप है, अगर ये मान लीजिए इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जिसपे मैं अभी पेन मार्क कर रहा हूं, ये लाइन खिंच कर बिल्कुल क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब ये बहुत छोटा वाला पार्ट लिया जाएगा, बहुत छोटा वाला मतलब यहां से ली गई हो, बहुत छोटी। बनाने में तो पॉसिबल नहीं है, बट प्रैक्टिकली ये ऐसे ही समझ सकते हैं कि इतनी छोटी हो गई कि ये जो लाइन है, ये वाली बिल्कुल सीधी लाइन बन गई। और सीधी लाइन बन किस लेंथ की बन गई, ये एच लेंथ की वो लाइन बन गई। ठीक, अब इसकी लेंथ एफ ए और इसकी लेंथ एच, तो इसका मतलब अगर मैं इस पतली सी स्ट्रिप को एज ए रेक्टेंगल कंसीडर करूं, तो ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया। राइट, क्या ये बात क्लियर है सबको? यस अब ऐसे कहां तक है, देखिए यहां से यहां तक पहली काउंट हो गई, तो इससे पहले वाली तक, यहां n-1 तक सारी काउंट हो जाएंगी, यानी यहां तक सारी काउंट हो गई। तो मैंने सिर्फ इतना ही किया, इस पूरे कर्व का एरिया फिगर आउट करने के लिए जितने रेक्टेंगल थे, उन सब रेक्टेंगल का एरिया को सम अप कर दिया। और जब मैंने उन एरियाज को सम अप किया, तो उसी से ये वाला फॉर्मूला बना था। देखिए ये रेक्टेंगल की लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई। और ऐसा करते करते थोड़ी देर में मैंने इसमें से एच कॉमन ले लिया, और क्या बन गया, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच। और ए क्या होती थी, अगर आपको याद दिलाऊं, लोअर लिमिट, याद आया पिछली क्लास में यस जो बताया था, लोअर लिमिट से स्टार्ट किया था, और लास्ट में कहां चला जाएगा, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस n-1 एच, यहां तक लास्ट तक चला जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये ऐसे फॉर्मूला बना था। दूसरा इसको भी देख लीजिए भाई, b इक्वल टू ए प्लस एन एच, इसको देखिए जरा पीछे वाली स्लाइड पे जाकर। अगर मैं इसको a मानता हूं और इसको मैं b मान लूं, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन एच। और अगर एन एच की वैल्यू निकालूं, तो b माइनस ए आएगी। और आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने एन एच की वैल्यू निकलवाई थी, आपको निकलवाई थी कि नहीं निकलवाई थी, यस है ना? तो एन एच की वैल्यू निकलवाई थी, जिसको मैंने कहा था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है भाई, चलो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं ना इसको समराइज करूंगा। क्या करूंगा, समराइज करूंगा, यानी कि मैं समेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, जनरल टर्म की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। तो कोई बच्चा है जो मेरी हेल्प करे कि मैं इसको जनरल टर्म की फॉर्म में लिख पाऊं, यस बताओ बताओ। A equals to H एज एच sigma एच सिग्मा A plus R H एफ ए प्लस आर एच, और इसका R जो मतलब वन से बंस लेके एन माइनस वन तक, वन से लेके या जीरो से लेके, जीरो से जीरो जीरो से लेके एन माइनस वन तक, क्योंकि यहां एन माइनस वन पे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब यहां जीरो पर स्टार्ट हो रहा है। नहीं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है ए प्लस जीरो। तो ये इसकी हो गई जनरल फॉर्म।
ठीक है। अब मैं इन जनरल फॉर्म्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं, देखिए कई बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कैसे करें, या लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है ये भी नहीं पता चलेगा, इवन ये भी नहीं पता चलेगा कि वो डेफिनेट का क्वेश्चन है। लेकिन बड़ी खास बात यह है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, बड़े सिंपल से शब्दों में सुनिए कि उसकी सीरीज होगी, और सीरीज जो है हमेशा या तो प्लस की फॉर्म में होगी या फिर मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि सीरीज माइनस की फॉर्म में हो या सीरीज अल्टरनेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो, हमेशा प्लस की फॉर्म में और या प्रोडक्ट की फॉर्म में ही सीरीज मिलेगी, इसके अलावा कोई और मेथड होता ही नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। मैंने यहां पे लिख दिया है ताकि नोट्स में बन जाए, सीरीज हमेशा क्या रहेगी, प्लस या फिर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और लिमिट हमेशा रहेगी एन से लेके इनफिनिटी, इसके अलावा कोई और लिमिट होगी नहीं। अब मेथड क्या रहेगा, मैं आपको मेथड वन बाय वन बता देता हूं। जो समेशन का साइन होगा वो कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन में, किसमें साइन होगा, इंटीग्रेशन में। साइन ऑफ समेशन चेंज या चेंजेस इनटू इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। इसी तरीके से जहां जहां r अपॉन x होगा वहां पर आप x लिख देंगे, जहां जहां 1 अपॉन n होगा वहां पर आप dx लिख देंगे, और जहां जहां लिमिट भी लगानी पड़ेगी तो अपर लिमिट अपॉन n और लोअर लिमिट अपॉन n करोगे। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। रिप्लेस 1 अपॉन n बाय dx, अपर लिमिट अपॉन n, लोअर लिमिट अपॉन n, और इतना करने से क्वेश्चन बन जाएगा। अब जो मैंने लिखा है इससे चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, मैं आपको जब करके दिखाऊंगा तो समझ आएंगी। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें सीरीज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है ये, ठीक। अब देखिए पहली पहचान ये है कि ये साफ साफ आपको सीरीज की फॉर्म में नहीं है, लेकिन समेशन है, इससे पता चल रहा है कि ये सीरीज ही है, प्लस माइनस की फॉर्म में ही है। दूसरी एक पहचान अगर आप देख पा रहे हैं तो देखो, क्या मैंने कहीं बताया था कि n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा? Yes. तो ये n टेंड्स टू इंफिनिटी मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने कहा आपसे कि जो समेशन का साइन है वो चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में, पहली बात। फिर मैंने अपर लिमिट के बारे में कुछ कहा, मैंने लोअर लिमिट के बारे में कुछ कहा, मैंने 1 अपॉन n के बारे में कुछ कहा, मैंने r अपॉन n के बारे में कुछ कहा, लेकिन इंटरेस्टिंगली इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको r अपॉन n दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोई बच्चा मुझे बता पाएगा क्या इसमें r अपॉन है? सर ढूंढो आप, यहां पर मिल जाएगा, दिख रहा है बच्चों? यस सर, दोनों को आर से डिवाइड कर दीजिए, अंदर नीचे जो बाहर आ रहा है उसको अंडर स्क्वायर रूट कर दीजिएगा। बिल्कुल, आर अपॉन एन उसमें है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, मन की आंखों से देखा तो वहां पर हमें मिल रहा है। देखो कैसे, तो मैंने सिंपल सा एक काम किया कि लिमिट दैट इज एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन समेशन आर इक्वल टू 1 टू लेके 2 एन, अगर मैं नीचे वाली पार्टी से यहां से इस जगह से n कॉमन ले लूं, n स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो बाहर कितना आएगा, सिर्फ n बाहर आएगा, और अंदर क्या बचेगा, r अपॉन n का स्क्वायर बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. और अगर अगले स्टेप की बात करूं तो r tends to infinity summation r equal to 1 to 2 n, इस n को नीचे जा ऊपर जाके लिख दिया तो r upon n हो गया, और इस जगह पर क्या हो गया, 1 plus r upon n का square, और जो 1 upon n सबसे आगे लिखा हुआ था उसको यहां लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा था कि कहीं पर अगर 1 अपॉन n दिखाई दे उसको dx में कन्वर्ट करो, लो कन्वर्ट हो गया। कहीं पर r अपॉन n दिखाई दे तो उसको x से रिप्लेस कर दो, लो कर दिया रिप्लेस, ठीक। कहीं पर समेशन दिखाई दे तो उसको इंटीग्रेशन से कन्वर्ट कर दो, लो कर दिया, राइट। लिमिट विमिट गया तेल लेने। अब बात करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट की। देखिए 2n अपॉन n, n से n कट गया, क्या बचा, 2, लेकिन
जब हम इसकी बात करेंगे लोअर लिमिट क्या, वन अपॉन एन, और लिमिट क्या थी इन्फिनिटी, तो जैसे ही वन इन्फिनिटी यानी वन अपॉन इन्फिनिटी हुआ, ये क्या हो गया जीरो हो गया, यानी कि एक लिमिट ये हो गई, यानी अपर लिमिट तो ये मिल गई और लोअर लिमिट आपको ये मिल गई। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर मिल गई तो ये क्या हो गया जीरो से लेके टू। क्या इससे आगे का इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है? Yes, sir. तो एक क्वेश्चन है, इसको मैं करके दिखा देता हूं। ये हो गया जीरो से टू, नीचे वाले को टी पुट किया तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो उससे आ जाएगा वन अपॉन टू बाहर, ये हो जाएगा आपका डी टी और ये हो जाएगा आपका टी। तो इससे आगे लिमिट चेंज करना चाहो कर लो, नहीं चेंज करना चाहो मत करो, बट आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है भाइयों? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, अब आपके सामने सीरीज में क्वेश्चन है, अब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, देखो आईआईटी डीसी वेस्ट बंगाल सब में आया हुआ क्वेश्चन है और आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसको देख के बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि ये डेफिनेट का है या लिमिट का क्वेश्चन है। बट लिमिट डेफिनेट के होने के चांसेस क्या होते हैं कि एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए और सीरीज जो है प्लस माइनस में ना होके सिर्फ या तो प्लस में हो या मल्टीप्लाई में हो, ठीक। अब मैंने इसको गौर से देखना स्टार्ट किया, जब मैंने गौर से यानी कि थोड़ा सा कोशिश करके देखना स्टार्ट किया तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 1 अपॉन n प्लस 1 है, ये n प्लस 2 है, ये n प्लस 3 है, तो भाई ये कौन सा लाट साहब है, ये कैसे अलग से लिखे हुए हैं भाई, ये भी तो यहीं के हैं, तो इन लाट साहब को भी ठीक कर लेते हैं। तो क्या होने चाहिए ये, ये n प्लस 5n होने चाहिए नहीं होने चाहिए? Yes. Yes, sir. है ना, तो भाई क्योंकि n तो सब में मिल रहा है आपको ऐसे, तो इसका मतलब n प्लस 5n हो गया। इसका मतलब गौर से देखिए, यहां से स्टार्ट हो रहा है r, और r कहां तक जा रहा है 5n तक। क्या क्लियर हो गई ये बात बच्चों? ओके तो अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब मैं इसके लिखूंगा समेशन वाली फॉर्म। समेशन वाली फॉर्म यानी कि दिस इज r इक्वल टू 1 से लेके कहां तक गया 5n तक, और 1 अपॉन भाई ऊपर तो 1 ही है सब में, लेकिन नीचे क्या है, क्या मैं नीचे n प्लस r लिख दूं अगर सब लोग एग्री हैं तो? यस और नो? यस सर। और लिमिट क्या है मेरी, n टेंड्स टू इनफिनिटी। अब मुझे इसको करना है कन्वर्ट, किस में, इंटीग्रेशन में। मैंने सिंपली इस पूरे क्वेश्चन को मैंने डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया भाई n से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एन और ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन एन। फायदा क्या हुआ भाई लोगों इससे करने से, ये वाली पार्टी कन्वर्ट हो जाएगी डीएक्स में, ये वाली पार्टी कन्वर्ट हो जाएगी एक्स में, ये हो जाएगी आपकी लोअर लिमिट, ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। सारी चीजें तो पता लग गई मुझे, तो अब मैंने कन्वर्ट किया, देखिए इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन एन दैट इज डी एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये क्या है, 1 है, 1 को अगर मैं एन से डिवाइड करूं तो एन क्या है इन्फिनिटी, तो ये 0 हो गया, और यहां पर जब मैं एन से डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा। तो क्या आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है अब? यस सर। यस, आसान है, इजी है बेटा ये चैप्टर, यानी ये टॉपिक। यस सर। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 0, तो log 6 आंसर आ गया इसका। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, ये रहा क्वेश्चन, बता दो जल्दी से मुझे इसका आंसर, शुरू हो जाओ। सर ये 1 अपॉन एन प्लस 1 के बाद डॉट 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 है, 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 4 एन,
दो प्लस लग गए बीच में खाली स्पेस, मतलब डॉट 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 होगा। वेरी गुड। और कौन कौन है? कुणाल, टेल मी। गुड। दिखता दिखता बेटा? सर डन सर कर रहे हैं, बस हो गया। हो गया। भगत सिंह? सर डन। गुड। श्रेया? सर लोग फोन आ रहा है। पता नहीं, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं, अभी ट्राई करूंगा तो आएगा। ठीक है। हाँ वैसे ही कुछ आएगा, उसका लॉग सिक्स आया था, ये उसके जैसा ही है, तो लॉग फोर के आसपास ही कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पे एन प्लस थ्री एन बन रहा होगा। तो वन से लेके, क्या जीरो से लेके थ्री बना है लिमिट? ओके। अबुजर हो गया? ओके। और कौन बचा? सक्षम है, शशांक है, दिव्यांशी हो गया बेटा? यस सर हो गया। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना है इसकी। पीछे वाली स्लाइड देखनी है, वेट। लो सर इसमें तो सर ट्रिक्सी बन गई। हाँ ट्रिक्सी है सब ये। तो लास्ट वाला होगा ना, जैसे सिक्स एन लिखा है लास्ट में, तो वही आंसर होगा। लोग सिक्स आएगा, फोर एन लिखा है तो लोग फोर आ रहा है, थ्री एन लिखा है तो लोग थ्री आ रहा है। अच्छा एक बात तो सुन ले मेरे भाई, ये यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में ना n प्लस वन, यानी कि r जो है वन से स्टार्ट हुआ है, ठीक, और उस वाले में जो है r जो है जीरो से स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक जीरो ही है शायद, वहां पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना वहां पे। यस सर। तो फिर उस केस में क्या होगा? n, हाँ तो ऊपर n माइनस वन बन जाएगा, ठीक है, बाकी लगभग वैसा ही हो जाएगा। मुझसे परसों अंकित सर शिकायत कर रहे थे, अंकित सर कह रहे थे, जो तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर है, कि सर मैं बच्चों के नाम गलत बोलता हूँ, तो बच्चे तो कुछ नहीं कहते, आप भड़काते हो बच्चों को। तो भाई मैं भड़का रहा था बच्चों को। श्रेया, श्रेया के बारे में बात कर रहे थे वो। श्रेया yes, मैंने भड़काया था तुझे? No, sir. Sir, अच्छा दिखता ने कहा था। अच्छा दिखता, ऐसा लगता है शांत रहती है, बोलती है, मतलब ये अंकित सर कह रहे थे मुझसे, मतलब मजाक में कह रहे थे वो, कि बच्चे बच्चे कुछ नहीं कहते, आप जाके भड़का के आए हो बच्चों को। अंकित सर खड़े हैं यहीं पे। तो मैं नहीं भड़काता हूँ सर। देखो इतनी बात में गेट खुला हुआ है, ये भाग के आ गए अंकित सर यहाँ पे, कि मैं नहीं भड़काता हूँ सर, बच्चे कहते हैं जो भी कहते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं ना एक्चुअली। अच्छा चलो आगे चलते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगर लगभग लगभग कुछ बन रहा होगा तो। भाई सिंपल सी बात यह है कि ये जो भाई साहब हैं, ये कहीं विदेश से तो आए नहीं है, तो ये क्या होगा? एन प्लस थ्री एन होगा और जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे कोई जनरल टर्म बता दो क्या बननी चाहिए इसकी। R इक्वल टू जीरो बननी चाहिए क्या? टू एन माइनस वन बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए? थ्री एन हो जाएगा ना, जीरो से थ्री एन। जीरो से थ्री एन, और जीरो से थ्री एन अगर हो गया तो नीचे वाला मामला तो आपको पता ही है, यहाँ पर क्या लिख दूं मैं? एन प्लस आर। एन प्लस आर, ठीक है, तो ये तो मामला सेट हो गया। अगर इतना मामला सेट कर लिया आप लोगों ने, तो फिर मतलब लगभग सभी सेट हो गया। कैसे भैया? तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, दिस इज ऑल आर इक्वल टू जीरो टू थ्री एन, ये हो गया वन अपॉन एन, ये हो गया वन प्लस आर अपॉन एन, तो ये वाली पार्टी हो गई आपकी डी एक्स। तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, दिस इज डी एक्स, दिस इज वन अपॉन एक्स, और ये जीरो ही रहेगा, ये 3n है, 3n का 3 हो गया होगा, अब आप कर लेंगे, हो गया होगा log 3 और 1 4, log 4 आया होगा ना? यस सर। ठीक है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें बनाओ, आप ही लोग एफर्ट करो, बताओ जल्दी से बना के।
जब भी आईआईटी या जेई मेंस कोई एक नया क्वेश्चन बना देता है तो क्या होता है कि हमारे जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, वेरी गुड, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं उसकी रेप्लिका बनाते हैं, उसकी इतनी सारी रेप्लिका बना के खड़ी कर देते हैं रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन होता है, यानी उसके जैसा कुछ प्लस माइनस करके इतनी सारी रेप्लिका बना देते हैं कि बच्चों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, यानी एक नया कॉन्सेप्ट मिल जाता है। सर हाँ तो जहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है 1/2n दे रखी है, यहाँ हाँ पे n अपॉन 2n² नहीं होना चाहिए? यस सर, ये 1/(n²+n²) होना चाहिए। सर वो सही है, वो वो कन्वर्ट हो जाएगा, वन एग्जैक्टली अपॉन एन प्लस एन कर लेंगे, दोनों ऊपर नीचे n मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसने जानबूझ के बना के नहीं दिया, आपको वहां पे माननी थी, क्लियर है सर, पाई बाय फोर आएगा ना? क्या बेटा, पाई बाय फोर? यस सर। मेरे पास एक्चुअली आंसर नहीं है बेटा, आई थिंक देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं है, एक मिनट, नहीं लगा रखा है इस पे पावर पॉइंट पे, तो मेरे पास आंसर नहीं है, बट जो भी है चलो देख लेते हैं इसको। 1+(n²), 4+(n²), 3+(n²), समथिंग कुछ ऐसे दे रखा है। तो पहली प्रॉब्लम तो वही है क्वेश्चन में कि n टेंड्स टू इनफिनिटी, सीरीज हमें पता चल गई, ये n अपॉन 1+(n²) और n अपॉन, तो मैं इसका भी स्क्वायर लगा देता हूँ, ये टू का सर क्या बेटा, फोर 5/4 आ रहा है। ओके तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, एन कर लिया और ये 2n² हो गया, राइट। अब इस 2n² को अगर मैं थोड़ा सा भी एफर्ट मारूं तो ये क्या है, मन की आंखों से देखो, ये है n² + n², क्या आपको दिख रही है ये हमें बात? तो 5/2 आ रहा है। चलो अभी पता चल जाएगा फिर। तो ये 2n² एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, n² + n² लिखा हुआ है, तो अगर ये ऐसा लिखा हुआ है अभी पता लगेगा किसका आंसर सही है किसका गलत है। तो r कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, यानी r यहाँ पे है ये, और चेंज होते होते यहाँ पे पहुंच गया। कहाँ तक पहुंचा भाई, r n तक पहुंचा, क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों? सर ओके चलिए, ऊपर क्या है, n है, नीचे क्या है, r² + n², क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों? यस क्लियर है। अब मैंने क्या किया, n² कॉमन ले लिया, n² अगर कॉमन ले लिया तो देखिए उससे क्या हो गया, लिमिट, अब उससे दो n मिले होंगे, तो एक n का तो मैंने इस्तेमाल कर दिया होगा यहां पर, यानी कि n अपॉन n, एक से तो ये खत्म हो गया होगा, तो ये 1 हो गया होगा, ये हो गया होगा आपका 1+r/n का स्क्वायर, और एक एन बचा होगा उसको मैंने लिख दिया होगा यहां पर, क्या ये बात क्लियर है सबको? ओके अब ये वाली पार्टी किसमें कन्वर्ट होगी, ये वाली पार्टी किसमें कन्वर्ट होगी, ये वाली पार्टी किसमें होगी, सब आपको पता है, तो मैंने कहा लिमिट 0 से लेकर 1 तक, और dx और 1+x², और जो कि होता है टेन इनवर्स एक्स, और जो कि होता है 0 से लेके 1, तो टेन इनवर्स 1 मतलब 5/4 आंसर आ रहा है। 5/2 किसका आ रहा था? मेरा गलत आता है सर, वो n² ले ले मैंने गलती। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब क्लियर हो गया बेटा? यस जैन साहब क्लियर है ये? अरे जैन यस साहब क्लियर है ये? अच्छा जैन साहब यहाँ पे एक भी दिव्यांशी को बोल रहा हूँ मैं ये। हाँ सर क्लियर है। ओके बेटा, श्रेया बेटा, यस सर। मनस, मनस आप बताओ, सक्षम, गुड। यस सर। भगत सिंह, यस सर। सर मैंने तो बताया ही था। हाँ आपने बताया, ठीक है। भव्य, अबुजार, अबुजार क्लियर है बेटा? यस सर। ओके ठीक है, भाव्य ने भी कहा यस सर क्लियर है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन बताना, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते अभी आप इस लाइक हो जाओगे, ये रहा, अब बताओ।
इसको क्या करें? ये तो कुछ अजीबोगरीब से सीरीज आ गई यार। अच्छा चलो, बाकी सब चीजें बाद में कर लेना, मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा अभी हेल्प, ठीक है? बहुत थोड़ी सी हेल्प करूंगा। एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 2n फैक्टोरियल लिखा हुआ है। 2n फैक्टोरियल को अगर मैं लिख दूं n फैक्टोरियल, n प्लस 1, n प्लस 2 और इसी तरीके से n प्लस n फैक्टोरियल, या फैक्टोरियल ना लगाऊं लो, अपॉन में n फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n और n फैक्टोरियल का मैंने लिख दिया 1 2 3 4 n। क्या ये क्लियर है आप लोगों को, मैंने क्या लिख दिया ये? Yes, sir. सबको क्लियर है? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो लेट मी नो। देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कहीं पर आपके लिखा हो 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल को ओपन करोगे आप, 2n इस तरीके से बैक में जाओगे, बैक में, और बैक में जाते 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 कहीं पर n प्लस 2 बचेगा, कहीं फिर n प्लस 1 बचेगा, और फिर जाके n बचेगा, फिर और ओपन करोगे तो वहां ओपन करने की वजह वहीं पे स्टॉप कर दिया है। तो मैंने ये उल्टा लिख दिया है, इधर का इधर लिख दिया और इधर का इधर लिख दिया। अब इस n फैक्टोरियल से इन n फैक्टोरियल की लंका लग गई, ठीक। अब एक स्टेप मैं और मूव कर रहा हूं, उसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n प्लस 1 अपॉन n लिख दूं, किसी को अगर एतराज ना हो तो, n प्लस 2 अपॉन 2 लिख दूं, n प्लस 3 अपॉन 3 लिख दूं, और इसी तरीके से n प्लस n अपॉन n लिख दूं, अगर किसी को एतराज ना हो तो। एम आई राइट बेटा, बताओ? Yes, sir. तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी को इस बात से कोई एतराज है कि हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। अच्छा, कोई एतराज नहीं है तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जेड इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, ये लॉग लेना है क्या बेटा? लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेना है। हाँ लॉग ले लेंगे अभी, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं इसे, और एन वाई टू और एन वाई थ्री और वन प्लस एन वाई एन। क्या यहां तक क्लियर है बेटा? अगर यहां तक क्लियर है तो बस आगे काम देख लो। जैसा कि प्यारे प्यारे बच्चों ने कहा कि सर लॉग ले लो, तो लॉग लेते ही ये तो बाहर आ गया, ये लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा, लेकिन अंदर का मामला कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है बेटा सबको? यस सर, यस सर। ओके, और अगर अंदर का मामला ऐसा दिख रहा है तो ये तो चलो जो है सो है, 1 अपॉन n लिमिट n टेंड्स। अच्छा मैं इसको ना जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ यार, बहुत लिमिट डिमिट लिख लिया, अब जनरल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, अब मुझे बताना, ठीक है? तो ये लॉग z आपका जो है लिख दिया, लिमिट की जगह समथिंग। बताना जरा कहां से स्टार्ट हो रहा है आर? वन, और कहां तक जा रहा है? एन तक। वेरी गुड, ये वाला है आर और ये वाला है आर, ठीक। और इसको मैं क्या लिख दूं जनरल फॉर्म में, एन वाई आर, ऐसे कुछ है? यस, एन वाई आर, एन वाई आर बनाइए। एन वाई आर हमारी हेल्प कर पाएगा क्या? सर फिर अपॉन में 1 अपॉन आर अपॉन एन लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन आर का सर, आर अपॉन एन। 1 प्लस ठीक
ठीक है, तो ये हो गया आपका log z वन अपॉन एन समेशन आर इक्वल टू वन. आप एलसीएम लेके बोल रहे हो ना बेटा, इंटरनल एलसीएम नहीं कर रहा. आप इसको ऐसे बोल रहे होगे फिर मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है इसको आप आर अपॉन एन बोल रहे होगे और इसको आर बोल रहे होगे, ऐसे ऐसा मैं ऐसा नहीं कह रहा था. तो मैं तो कह रहा था log 1 plus 1 upon r upon n. बाद में प्लस कर लिया होगा उसको है? तो LCM लिया नहीं, n को नीचे ले गया बस. बाद में प्लस कर लिया होगा, ठीक है. एक तो log 1 हो गया वो तो log 1 जीरो हो गया होगा और माइनस का साइन आया होगा तो माइनस के साइन को ठीक करने के लिए आपने इसको ऐसे लिख लिया होगा, यही कह रहे हो ना? राइट कर लो रिप्लेस. क्या है ये? दिस इज 0 टू 1 log x dx और ये आपका log z इक्वल टू हो जाएगा. यस सर, एक ही बार माइनस 1. एक ही बार सर इस क्वेश्चन को ना एक तरीके से और लिख सकते हैं. हाँ क्या बताओ सर, शायद इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी और फिर n फैक्टोरियल की पावर 1 बाय n अपॉन n. मतलब आपने ना इसको ओपन करने का दूसरा तरीका बता रहे हो आप, राइट? यस सर. फिर वो n से n कट गया होगा बाद में. यस सर. है ना? हाँ ठीक है. चलो सर. हाँ बोलो सर. log जो लिखा हुआ है पहले log z equals to 1 upon n वाला, उसमें अपने log 1 plus n upon r को अच्छे कन्वर्ट कैसे कर लिया सर log r upon n में इसको? यस सर. सो तो मल्टीप्लाई में होता है ना सर. मैं कह रहा था सही कह रहे हो. हाँ सही कह रहे हो. गलत लिखा मैंने वो. एक जो मैं बता रहा था ना वो था कि log में 1 plus 1 upon r upon n. हाँ ये गलत लिख लिया क्योंकि प्लस में है ये तो. हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे आप? बस n को नीचे लेके जाना है. अगर n को ऊपर नीचे ले जाऊंगा मैं अगर log 1 plus 1 upon n. मतलब जो आप एक्सपुट करते हो उसकी जगह 1 upon एक्सपुट कर लो, आप ये कह रहे हो? यस सर. है ना? तो मैं लिख देता हूं इस बात को, 1 upon n समेशन, सभी लोग देख लो, log 1 plus, जैसे हम क्या कर रहे हैं r upon n की जगह पर एक्सपुट कर रहे हैं, तो अगर n upon r आ जाए तो क्या होगा? 1 upon एक्सपुट कर देंगे हम, तो यहाँ पर n upon r है तो n upon r की जगह क्या हो जाएगा, या n upon r upon n x है तो ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा. ठीक है, तो ये आप कर लेना इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके. अब इसको देखो, लगभग पिछले के जैसा है या कुछ और है ये? कर सकते हैं इसको भी. आप r पता लगा पा रहे हो क्या है? यस सर. बस हो गया काम. देखो एक बार. नहीं है. कौन सा ऑप्शन है बेटा? ए. ए ऑप्शन है इसका. अच्छा तो 1 की पावर m 2 की पावर m प्लस प्लस n की पावर m और ये लिखा हुआ है n की पावर m और n, ऐसा कुछ है ये. अच्छा तो आप एक काम तो कर ही सकते हो, कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यस ओके. आखिरी स्टेप मूव कर रहा हूं मैं और होप उसके बाद कोई स्टेप मूव नहीं करना पड़ेगा मुझे. क्या क्लियर हुआ सबको? यस सर. तो ये क्या लिखा हुआ है फिर? फाइनली समीशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें. Yes.
तो आर वन से स्टार्ट हुआ भाई, ये आपका आर है और कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, कहाँ तक गया, एन तक गया, और ये है आपका आर अपॉन एन की पावर एम और इंटू वन अपॉन एन। और अगर ऐसा हो गया तो भाई आर अपॉन एन क्या होता है, एक्स। तो आगे लिख लोगे इसको आप, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये एक्स की पावर एम हो गया, ये डी एक्स हो गया, इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा। क्या आया आंसर इसका आपका, एक्स वन पहला वाला ना, एम प्लस वन नीचे आएगा। और देखो जो पावर बन के आएगी वो ना इसमें है ना इसमें है, इसमें हो सकता है ये वाला हो सकता है, तो ये वाला हो जाएगा क्योंकि वन से जीरो है, पहले जीरो वाला तो खत्म ही हो जाएगा, और एक्स की पावर एम यानी कि वन की पावर एम अपॉन में एम प्लस वन, तो यही हो जाएगा। ठीक है, अगला ये क्या बवाल है भाई, इसको देखो, दिख गया होगा आपको मेरे हिसाब से आर। सीधा लिखते हैं समेशन आर मेरा जो है वन से स्टार्ट हो रहा है एन तक जा रहा है, और ये ई की पावर आर अपॉन एन हो गया, और ये वन अपॉन एन हो गया, इंटीग्रेशन ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये ई की पावर एक्स हो गया, डी एक्स हो गया। समझ गए बेटा, तो आई होप आप इसको कर पाओगे। तो ई माइनस बनाया इसका, हाँ ई की पावर जीरो तो वो वन हो जाएगा, तो ई की ई माइनस वन आ जाएगा, ये वाला रहा होगा बी। चलो वेरी गुड, इसको खुद करो और मुझे बताओ कि इंटीग्रल वन से दो के बीच में ये किससे मैच कर रहा है, ए से बी से सी से, करो स्टार्ट। बी से, अच्छा देख लो और देखो गौर से जरा, कुणाल थोड़ा सा और देख लो, ऑप्शन सी। देखा एक ने बी बोला एक ने सी बोला, तो क्या बी वाला गलत है या सी वाला गलत है, ये दोनों सही है। दोनों सही है, यानी कि बी भी इसका आंसर होगा और सी भी इसका आंसर होगा, जहां तक मुझे लगता है बी भी सही है ना। यस सर। हाँ तो मल्टीपल चॉइस है, दो ऑप्शन करेक्ट है उसमें, बाकी बच्चे करो, सबसे आंसर चाहिए मुझे इसका। सर लास्ट वाले दोनों सी और डी, बी और सी, बी और सी, अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ डी तो है ही नहीं वहां पर, डी ऑप्शन तो है नहीं। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड आते हैं क्या, मतलब जैसे शुरू के तीन चार क्वेश्चन थे इस टॉपिक के, तो प्रैक्टिस कर रहा था मैं चार पांच दिन पहले, तो मेरे हाथ के नीचे आए थे वो। अच्छा हाँ गिने चुने क्वेश्चन ही बनते हैं इस पर, उन्हीं को ऊपर नीचे करते रहते हैं, ज्यादा कुछ होता नहीं है ना भाई, वो सीरीज। अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे रीजनिंग होती है ना, आप लोगों ने मैट वगैरह पढ़ा होगा। Yes, sir, mental ability test. हाँ तो मैट का बेटा ऐसे होता है कि जैसे मुझे मैट दे दे कोई, तो NTSC माता मुझे मान लो मैट दे दे कोई कि सर मैट करो, तो हो सकता है कि जब मैं करना स्टार्ट करूँ तो पहले दिन मैं 100 में से 10 क्वेश्चन ही बना पाऊँ, लेकिन मैं फिर दूसरे दिन करने लगूंगा तो 100 में से 12 क्वेश्चन बना लूंगा, लेकिन तीसरे दिन कब करने जाऊंगा तो 20 क्वेश्चन बना लूंगा कम से कम, और जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा तो आप देखोगे मैट के मैक्सिमम क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैट क्या होता है, कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है, वो एक लॉजिकल ब्रेन होता है जिसमें ये पकड़ना होता है रिदम क्या है, तो वैसे ही इसमें सीरीज में रिदम है, सीरीज में रिदम पकड़ में आ जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, और सिस्टम मैंने बता ही दिया कि किसकी जगह क्या रिप्लेस करना है, इजिली वही रिप्लेस करते जाओ क्वेश्चन बनता जाता है। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कि आपके हाथ के नीचे आ गए हो, कुछ एक ना आए हो, मैंने तो कोशिश की है कि भाई अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जहां जहां से उठा सकता हूँ वहां से उठाए हैं मैंने। चलो दिव्यांशी सर, हाँ बोलो। सर ऑप्शन सी है वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो लिमिट्स दे रखी हैं और उसमें आर बाय एन की लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे तो वो 2 नहीं बनेगी। अच्छा और 2 बननी चाहिए।
चलो देखते हैं क्या है। और ऑप्शन बी के अंदर ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि जो एफ के अंदर लिखा हुआ है वो 1 प्लस आर अपॉन एन होना चाहिए। एक मिनट चेक कर लेते हैं भैया फिर तो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। 1 से 2 की बात कर रहे हैं तो एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है, जब इस लोअर लिमिट को जब 1 से डिवाइड करूंगा एन से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, जबकि 0 तो यहाँ है नहीं तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तो एन प्लस 1 को डिवाइड करूंगा एन से डिवाइड करने पर ये वाला 0 बन जाएगा, तो यानी कि एक तो नीचे का आ गया, यानी ये वाली बात सही है। दूसरा 2n को डिवाइड करूंगा n से तो 2 से 2 कट जाए, यानी ऊपर वाली भी आ रही है। बाकी के सामान को देखता है, इसकी जगह fx हो जाएगा ये बात भी सही है, और इसकी जगह dx हो जाएगा ये बात भी सही है, यानी b ऑप्शन तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब इस वाले के लिए बात करूं अगर मैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको अगर ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ 1 अपॉन n समीशन r इक्वल टू 1, मुझे जहां तक याद है मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन था, और ये लिखा हुआ है f 1 प्लस r अपॉन n, ऐसे कुछ लिखा हुआ है राइट। अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो r, ये तो आपका 0 हो गया ठीक, ये आपका 1 हो गया, और ये हो गया f 1 प्लस x, और ये हो गया आपका dx, ये ऐसा कुछ आया और हमें ऐसा कुछ करना है, तो क्या दिक्कत है, कैसे कैसे आ सकता है, कुछ आ सकता है क्या वैसा? x प्लस 1 को t ले लो सर, आ गया। अच्छा बस 1 प्लस x को जैसे ही मैंने t पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई t माइनस 1। सिमिलरली अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, और लिमिट प्लेस करूंगा तो 1 और 2 हो जाएगी, तो ये वाली पार्टी 1 से लेके 2 में कन्वर्ट हो गई, ये एफ टी में कन्वर्ट हो गई, x की जरूरत मुझे है नहीं, dt अब मैच कर रहा है बेटा ठीक है। तो यहाँ तक झोल है देखो, अब अगर हम पहले ग्लिम्स में इस क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते तो बी लगा बैठते, दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे गलती कर बैठते, और यहाँ से जब थोड़ा सा एफर्ट लगाए तो यहाँ पहुंच गए राइट। चलो आगे बढ़, बाकी बच्चों को समझ आया बेटा ये? सर बी पार्ट वाला एक बार बता दो, बी वाला देख लो भाई, क्या सीख रहे हैं हम कि इसकी जगह पर dx लिख दो, लो लिख दिया, इसकी जगह पर x लिख दो, लो लिख दिया, n प्लस 1 को डिवाइड करो, लोअर लिमिट को डिवाइड करते हैं ना n से, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, n की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0, यानी कि यहाँ पर समीशन की जगह ये आ गया और यहाँ पर आ गया 0। फिर है 2n, 2n को डिवाइड करो n से, तो इससे कट गया सीधा, तो ये आ गया 2, ऐसे हुआ बेटा, क्लियर है? Yes. Okay. चलो बनाओ इसको, करो जल्दी से, सामने पड़ा हुआ, बिल्कुल सामने, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि r की मिनिमम वैल्यू कितनी है, r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। अगर आप देख पा रहे हो मन की आंखों से चेक करो कि r की मिनिमम वैल्यू 0 है और r की मैक्सिमम वैल्यू क्या n माइनस 1 है। और एक बात बताऊं, जिस दिन r की मिनिमम वैल्यू 0 होती है उस दिन मैक्सिमम वैल्यू n माइनस 1 होती है, जिस दिन r की मिनिमम वैल्यू 1 होती है उस दिन वो n होती है, यूजली ऐसा होता है ठीक है, पकड़ में आ गया? देखो क्या किया होगा मैंने, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये n स्क्वायर हो गया होगा, तो ये n स्क्वायर को हमने क्या लिखा होगा, n माइनस या n प्लस 0 का होल स्क्वायर। अब ये बाकी सबके जैसा दिखने लगेगा, रही इसकी बात, ये कैसे है, ये n प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर है, तो देखिए पीछे वाला क्या है, r r r, तो ये r होगा, तो समझ गए आप, r मिनिमम और r मैक्सिमम, तो मैं समेशन बना के छोड़ दे रहा हूं, तो r इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1 तक, और ये बन रहा है आपका n अपॉन n प्लस r का होल स्क्वायर, यही बन रहा है ना, क्लियर है बच्चों? Yes. अब आप चाहो तो यहां से कॉमन वॉमन ले लो, कॉमन सी आर है ओके, तो अगर मैं इसमें से r n कॉमन लूंगा तो स्क्वायर बाहर आएगा, स्क्वायर से एक n कट जाएगा और एक n बचेगा, तो ये आपका बचा होगा r 0 से लेके n माइनस 1 तक, लिमिट आपकी n टेंड्स टू इनफिनिटी है,
ये बचा होगा वन अपॉन एन, कॉमन लिया है तो वन प्लस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन। अब क्या है, अब तो भैया ये जीरो है ये आपका हो गया होगा वन, और ये आपका हो गया होगा डी एक्स, ये हो गया होगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हो ही जाएगा आई होप आपसे, ठीक है। चलो इसमें बताओ जल्दी से क्या कहानी है, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री सॉरी क्यूब 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 ऐसे लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखो तो ये भी स्क्वायर लिख सकते हो आप, तो क्यों ना आपको ये ऐसा लग रहा हो आर स्क्वायर अपॉन आर की क्यूब प्लस एन की क्यूब, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है या मुझे ही ऐसा लग रहा है? Yes, sir. और एन तक, क्या सबको क्लियर है ये बात? आर की क्यूब कॉमन ले लोगे तो कॉमन लेने के बाद ये आपको ऐसा देखे, लिमिट वगैरह लगा लेना ठीक है, ऐसे मैं भूल जाऊं तुम भी भूल जाओ, फिर लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, तो आर, तो आर अपॉन एन बन गया होगा एक, यहाँ पर एक वन अपॉन एन बाहर आ गया होगा, और ये वन अपॉन आर अपॉन एन की क्यूब हो गया होगा, और अगले ही केस में आर इक्वल टू वन से स्टार्ट होके कहाँ तक गया, एन तक गया है, तो ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वन प्लस एक्स की क्यूब हो गया, ये डी एक्स हो गया, हो जाएगा अब खत्म, ठीक है ओके। ये बनाओ, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन, इसमें भी लॉग लेके करना पड़ेगा? नहीं, मुझे कुछ और जानना है, इसमें लॉग तो आप ले लोगे बाद में, आप वन अपॉन एन दिख रहा है तो लॉग ही लोगे बाद में, मुझे कुछ और जानना है, कहीं पर इस क्वेश्चन में कहीं पर कुछ करेक्शन करनी है आपको, वो करेक्शन होगी तो ही आपसे होगा, ये वो जानना है वो बता दो बस। सो लास्ट में क्या टू मिसिंग है? टू मिसिंग नहीं है, टू बनाना है हमें यहाँ पर, बना लेंगे। हाँ तो हो जाएगा हिसाब किताब बराबर, अब सब में क्या हो गया, आप समझ गए होंगे क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, हो जाएगा बेटा, ये टू एन माइनस टू आ गया ना ये, और पाई इसका क्या कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो, क्योंकि वन टू थ्री ऐसे चल रहा ना पाई के साथ, तो आर ही लेना पड़ेगा, इसको आर ही लेना पड़ेगा, आर की वैल्यू वन से लेकर टू एन माइनस टू तक होगी, टू एन माइनस टू तक ही होगी, इसमें और कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो समेशन कुछ ऐसा बन गया होगा आर वन से लेके 2n माइनस टू तक, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, और साइन आर पाई अपॉन 2n ऐसे कुछ है ना, ठीक है, तो लिमिट लगा लेना, और वैसे ही बिल्कुल वैसे ही खेल खेलते रहना जैसा खेलना होता है, तो आर अपॉन एन एक्स की जगह पे कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बाई टू उसके साथ रहेगा, फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन कर, मतलब यार क्लास में मतलब बाद में। अगला देखिए ये कुछ दिख रहा है कहीं पर रिजेंबल होता हुआ, वन अपॉन एन एन स्क्वायर प्लस एन टू एन थ्री एन फोर एन, मैं दर्शन करा देता हूँ एक बार, हाँ सर पीछे वाली स्लाइड दिखाने के बाद, पीछे वाली स्लाइड ये लो, ये री स्लाइड, सर इसमें साइन के साथ भी टू आएगा लास्ट में, ये वाला टू नहीं सर, क्वेश्चन में जो आपने एडिट करा है बाद में, हाँ ये एंगल में है, ये पूरा एंगल में, तो सर नीचे आ जाएगा ना, ऊपर ऊपर भी आएगा भाई, नीचे कैसे आ जाएगा, जितना आप लगाओगे उतना हटाओगे भी तो, यस सर, इसलिए तो ऊपर नीचे दोनों तरफ आएगा, अपनी मर्जी से थोड़ी लगा सकते हो आप, ये क्या नाम है भगत सिंह, इट्स नॉट अ एरर ऑफ क्वेश्चन, ये टाइपिंग एरर नहीं है, ये क्वेश्चन ही ऐसा दिया है जिसको आपको फिट करके आगे बढ़ना है, ठीक है,
ये देखिए क्या है ये, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ऊपर वन 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 है, नीचे को अगर ध्यान से देखूं तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये वन अपॉन रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस जीरो, क्या आप देख पा रहे हो इस बात को? Yes, sir. और ये लिखा हुआ है एन स्क्वायर प्लस वन इंटू एन, और ये लिखा हुआ है वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू इंटू एन, सिमिलरली ये लिखा हुआ है एन स्क्वायर प्लस, अब ये एन एन माइनस वन है, इसका क्या करें? एन माइनस वन एन, बिल्कुल ठीक है, ये आर हो गया, ये आर हो गया, मैक्सिमम आपको पता चल गया, मिनिमम आपको पता चल गया, क्या कर सकते हो भाई, समेशन दैट इज आर इक्वल टू जीरो से लेकर एन माइनस वन तक, और वन अपॉन रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इससे आगे आपको खुद करना है। क्लियर है बच्चों? हो जाएगा या ऐसे छोड़ दोगे कॉपी में? ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा सर। जो आपने सिग्मा लिया है ना उसमें आर स्क्वायर नहीं आएगा, उसमें आर एन आएगा। सिग्मा लिया है उसमें सिग्मा वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस आर एन। यस सर, फिर एन स्क्वायर कॉमन ले देंगे सर। नीचे नीचे यहाँ पर सर सिग्मा के अंदर एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा है ना, एन स्क्वायर प्लस आर एन होगा, फिर वहां से हम एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है। हाँ तो सिर्फ आर एन ले लो, ठीक है, हाँ प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो अब होपफुली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ एक टर्म जाननी है, बाकी आप कर लोगे। बताओ क्या है वो टर्म जहां कुछ झोल है? एक झोल तो यहाँ पे दिख रहा है, और एक अंडर रूट लिखना पड़ेगा, एक झोल यहाँ पर होगा। यस, तो ये तो कोई झोल नहीं है, तो पिछले में ठीक करके आए हम। ये क्या लिखा हुआ है, ये वन अपॉन अंडर रूट फोर एन स्क्वायर माइनस जीरो, अंडर रूट फोर एन स्क्वायर माइनस जीरो लिखा हुआ है। और अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है भाई, सब जगह फोर एन स्क्वायर चाहिए आपको, तो आप एक एन स्क्वायर लगाओगे, एक एन स्क्वायर हटाओगे, तो ये हो जाएगा फोर एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन, लगाया हटाया तो माइनस का होगा ये, और माइनस वन, थोड़ी सी मेहनत अगर कर ली, माइनस कॉमन ले लिया तो एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन हो गया, थोड़ी सी और मेहनत कर ली तो आपको दिख गया ये एन माइनस वन का स्क्वायर है, तो ये जीरो का स्क्वायर, ये वन का स्क्वायर, ये टू का स्क्वायर, तो ये एन माइनस वन का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया मिनिमम आर और ये हो गया मैक्सिमम आर। क्या क्लियर है सबको? Yes, sir, sir. तो अगर ये क्लियर है तो भैया आर इक्वल टू जीरो से लेकर एन माइनस वन तक चला गया, और ये आपका वन अपॉन रूट में फोर एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे ही है। Yes. फॉर्मूला आपको याद ही होगा, वो वाला परफेक्ट स्क्वायर वाले। Yes. तो अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूं, यू विड डू ओयो कर ले रहे हैं इसको, खुद करना, इसको बता दो। सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बी सी जो भी होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आंसर, बताओ। देखो क्या चेंज हो रहा है, अगर मैं गौर से देखूं तो इसको वन का स्क्वायर लिख दूं, इसको टू का स्क्वायर लिख दूं, yes, और ये लेकिन और एंगल का तो हिसाब किताब हो गया सर। तो फर्स्ट टर्म दे रखी है उसमें एक फैक्टर दे रखा है वन अपॉन एन स्क्वायर का, सेकंड टर्म में मिसिंग है, लास्ट टर्म में वन अपॉन एन, ये ऐसे रहा होगा, ऐसे रहा हो, दिख रहा है आप लोगों को, मैं पेन हल्का ले लिया मैंने सर, सेकंड वाले में 2 / n स्क्वायर होगा, ये देखो पहले जरा, फिर जो सर लास्ट टर्म है वो लास्ट में तो 1 / n है, और लास्ट वाला जो है तो ध्यान से देखो, ये जो लास्ट वाली टर्म है, या फिर अच्छा यहां पर भी है 1 / n, ये सही कह रहा हूं, तो क्या रहा इसमें, ऐसा हो सकता है कि हर टर्म के साथ ना r / n स्क्वायर होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सही है जो सेकंड लिखा है ना 4 n स्क्वायर, उसके बगल में 2 / n स्क्वायर आएगा,
अगर वो वाली बात आप कह रहे हो तो यहाँ पर ये वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर ऐसे चला होगा और ये एन अपॉन एन स्क्वायर रहा होगा. तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या रहा होगा जहां तक मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, एन स्क्वायर sec स्क्वायर वन अपॉन एन स्क्वायर टू अपॉन एन स्क्वायर sec स्क्वायर और टू का स्क्वायर वन का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर प्लस प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर sec स्क्वायर और एन का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ये क्वेश्चन रहा होगा, क्लियर है सबको ये वाली बात? यस सर. यस सर. और हिसाब किताब अगर ये क्लियर है तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है कि क्या कहानी है, क्या आर है और क्या एन है. आर के बारे में अगर मैं पूछूं, आर मिनिमम बताओ तो क्या है? वन. आर मैक्सिमम पूछूं तो कितना है? एन. तो अगर इतना कुछ पता है तो आर वन हो गया, ये आपका एन हो गया. और क्या आ जाएगा इससे? इससे आ जाएगा आर अपॉन एन स्क्वायर और sec स्क्वायर आर स्क्वायर और एन स्क्वायर, यही आएगा. यस सर. यस. और आर वाई एक्स को रिप्लेस वगैरह कर लेना, यहाँ पे एक एन एक्स्ट्रा है उससे डी एक्स बन जाएगा, यानी कि मैं लिमिट लगाना भूल गया यहाँ पर, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका जीरो बन जाएगा, ये आपका वन बन जाएगा, ये आपका आर अपॉन एक्स से एक्स बन जाएगा, ये आपका sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका डी एक्स बन जाएगा. क्लियर है? हो जाएगा. यस सर. ओके ठीक है. तो भाई ये जो टॉपिक था ये हुआ समाप्त. अब अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सैंडविच थ्योरम. सुनिए. यस सर. सैंडविच थ्योरम का एक अल्टरनेटिव होता है लैंडविच थ्योरम, ठीक है. अब अल्टरनेटिव क्या उससे भयंकर वाला है. कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के सैंडविच से हो जाते हैं लेकिन लैंडविच से सारे हो जाते हैं, ठीक है. तो लैंडविच थ्योरम, जो लैंडविच थ्योरम है उसको कराने जा रहा हूं. सिंपल सिंपल बातें सुनिए. पहली बात, तीन टाइप का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है. कैसा कैसा होता है? पहला, अगर मैं आपसे पूछूं कि d अपॉन dx sin x का डेरिवेटिव बताओ तो आप क्या बताओगे? cos x. cos x, ठीक है. तो ये आपने बता दिया मुझे cos x. मैं अगला पूछने जा रहा हूं, इसका बताओ क्या बताओगे? जीरो. जीरो क्यों हुआ? कितने बच्चों को पता ये बात? क्योंकि कांस्टेंट आएगा ना. एग्जैक्टली. डेफिनेट इंटीग्रल जो है, यानी कि ये सारा सामान जो है, ये जो भी आएगा सॉल्व होके कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट का डेफिनेट होगा यानी डिफरेंशिएशन होगा तो जीरो हो जाएगा. तीसरी बात, लिमिट जो है वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए. किसकी फॉर्म में? वेरिएबल की फॉर्म में. तब कैसे होगा? सुनिए, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल. जब लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में आने लगे तो इसको करने का तरीका होता है कि जो फंक्शन है, फंक्शन कौन सा? ये साइन एक्स. तो यहां पर अपर लिमिट रख दो फंक्शन की जगह पर, इसकी एक्स स्क्वायर अपर लिमिट रख दी, और जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव लिख दो यहां पर, माइनस लोअर लिमिट रखो साइन जीरो, और जो लोअर लिमिट है उसका डेरिवेटिव करो. क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? और अगर इतना आपने कर दिया, और x का दोबारा क्यों नहीं किया? क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ही पूछ रहा है, इसलिए दोबारा नहीं किया. अगर लिमिट x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर होती तो हम क्या करते? y स्क्वायर और y का dy ओवर dx और लिखते, ठीक है. तो अभी देखिए ये क्या बचा, ये बचा 2x sin x स्क्वायर. ये सारा तो क्या हो गया? जीरो. तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन. क्लियर है? यानी बिल्कुल सिंपल. इस पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और बहुत ज्यादा तादाद में मिलते हैं. ये रहा पहला क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, दूसरा आपसे खुद करवाऊंगा, ठीक है. जी एक्स मालूम है, जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है सर कर देंगे. जो भी फंक्शन है उसमें पहले क्या रख दो? जो भी फंक्शन है उसमें पहले क्या रख दो? अपर लिमिट. अपर लिमिट क्या है? ये. तो ये हो गया x की पावर 4 प्लस 1 dy dx. अब जो भी लिमिट थी उसका डेरिवेटिव, क्या लिमिट थी? x माइनस कांस्टेंट टर्म जब जब रखी जाएगी जीरो ही आएगा. क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? यस सर.
क्योंकि कांस्टेंट टर्म रखने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो भाई हमें कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो हम बार बार इस चीज को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, दैट्स इट, छोड़ दी उसको। तो देखो जी डैश क्या आ गया, तो जी डैश आ गया हमारा दैट इज एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। क्या कहीं पर ऑप्शन है ऐसा कोई? फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन करना आ गया भाई सब लोगों को? Yes. सबको आ गया बेटा? बालिकाओं आप लोगों को आया नहीं आया? यस सर। यस सर। चलो शाबाश, अब वापस जा रहे हैं क्वेश्चन पे, ठीक है? अब कोई इजी सा क्वेश्चन रखूंगा मैं पहले, ओ तेरी ये खतरनाक सा आ गया, इसको बाद में करेंगे, कोई इजी सा ढूंढता हूँ, इसको करो चलो उसी मेथड से करो ट्राई। IIT 2004 लेबनीज थ्योरम, ऑप्शन ए, बाकियों का भी आने देते हैं, वेट करते हैं ना। टू बाई फाइव बिल्कुल सही है। yes, चलो बाकियों को आने देते हैं फिर करेंगे। ऑप्शन ए गुड। आप लोगों के एग्जाम कब तक खत्म हो जाएंगे? सेकंड नवंबर। सेकंड नवंबर यानी कि दीपावली के पास तक, इससे पहले। इसके बोर्ड्स की डेट है मोस्ट प्रोबेबली 20 या 15 से। बोर्ड की डेट शीट तो आ गई ना? 18th को आ जाएगी। अभी नहीं आई, 18 को आएगी। 18th को आ जाएगी। लेकिन 15 से होंगे, 15th या 20 से। ओके, हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जेई के पर्पज से, तो कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा ना आपके बोर्ड के और इसके चक्कर में, कहीं बोर्ड पर ज्यादा फोकस हो जाओ इसको छोड़ दो। नो सर। कर लोगे ना मैनेज? सर हमारे सर ने एमसीक्यू कराए बोर्ड के, हाँ। तो वो एमसीक्यू भी जेई मेन से कम नहीं थे, हम कह सर लो लेवल करा लो, ये तो आएंगे भी नहीं। अच्छा, उन्होंने कोई एग्जांपलर उठा के करा दिया होगा, स्कूल में ऐसे करा रहे हैं, तो एमडीजी एमएलए पर जा रहे हैं सर, उसमें भी यही पेपर हैं। अच्छा, कि एमसीक्यू जेई के होते हैं ना बहुत सारे, तो सेम ही दे देते हैं वो। हां, बल्कि बोर्ड का सैंपल पेपर तो बड़ा इजी सा है। हां, एक्चुअली में क्या होता है, जो एग्जांपलर आया है ना एमसीक्यू का, वो शायद ऐसा ही आया है। ठीक है, किए तो भगत सिंह हो गए क्वेश्चन? हां सर, हो रहे थे। चलो, अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए कैसे भी हो। देवियो हुआ क्वेश्चन या नहीं हुआ? हो गया सर। वेरी गुड, तो क्या करेंगे पहला काम, अपर लिमिट दैट इज टी स्क्वायर एफ ऑफ टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t, ठीक, माइनस लोअर लिमिट का कोई रखने की जरूरत नहीं है। अब जब आप ऐसा कर रहे हो तो दोनों साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5t की पावर 4। थोड़ा सा फोकस करके देखो, ये t की पावर 3 लिखा हुआ है, t की पावर 4 लिखा हुआ है, इस 5 से ये 5 कट गया, ये बचा सिर्फ एफ टी स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कट गया, और ये आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ t। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, अब मैं yes, अगर ये यहां पर रख रहा हूं तो इसका मतलब भाई ये क्या है, अगर ये स्क्वायर है तो एक्चुअली यहां से देखो, यहां से कंपेयर करो इसको,
अगर इसके अंदर 4/25 आ रहा है तो बाहर कितना आएगा, 2/5 आएगा, क्योंकि जो भी यहाँ है उसका रूट है बाहर, तो क्लियर है सबको? ओके अब वापस जा रहा हूं पहले वाले क्वेश्चन पे, दूसरे वाले पे, ये रहा, इसको करना है हमें। तो भाई कैसे करें? ध्यान रखना ये dy ओवर dx लगा हुआ है साथ में, d अपॉन dx लगा हुआ है, यहां भी d अपॉन dx लगा हुआ है। जब इसका किया तो ये आ गया cos y स्क्वायर, और y स्क्वायर किया तो आ गया 2y, और y का किया होगा तो dy अपॉन dx। क्लियर है सबको? यहां पर साइन x स्क्वायर और 2x, अब x का नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 1 आएगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ही है, तो ऐसा कुछ हो गया है। तो dy अपॉन dx क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि साइन ऑफ x स्क्वायर अपॉन y ऑफ cos x स्क्वायर आएगा, है कहीं पर कोई d? क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो हल्का हल्का क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ा सा ऐसा रख देते हैं। ये कह रहा है कि इंटरवल इंक्रीजेज, भाई जिससे इससे उस तक इंक्रीज हो रहा है, कहने का मतलब एक्स की किस वैल्यू के लिए, तो मैंने कहा लो कर देते हैं, एफ डैस एक्स दैट इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इससे आ जाएगा 2x माइनस ई एक्स स्क्वायर, और इससे आ जाएगा 2x अल्टीमेटली। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, आप लोग, मुझे मालूम नहीं आप लोग बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, क्या यहां पर कोई आपको नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन दिखाई दे रहा है? यस सर, ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर जो होता है नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन होता है वो। चलो अगर ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है। माइनस एक्स स्क्वायर भी हाँ ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? अच्छा स्क्वायर भी है ना इसके ऊपर? यस सर। सर एक काम करते हैं ना, f dash x को ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। कर सकते हैं वैसे भी। अच्छा इन जनरल नहीं बता सकते आप कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा? देखो भाई नेगेटिव है, नेगेटिव में जितनी ज्यादा बड़ी पावर होती है उतना ज्यादा छोटा होता है वो। तो ये स्मॉल है और ये बिग है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा यहां से, नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब इंटरवल इंक्रीज हो रहा है, कब इंक्रीज हो सकता है, जब ये वाली बात भी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। क्या ये बात क्लियर है भाई? तब जब सारा पॉजिटिव होगा तभी तो मामला आगे बढ़ेगा। तो आप देख लीजिए एक्स के लिए किस वैल्यू के लिए मामला सेट हो रहा है, एक्स लेस देन जीरो के लिए होना चाहिए। तो लेस देन जीरो कहां पर है? आई थिंक बी ऑप्शन है, देखते हैं बी ऑप्शन है या नहीं है। तो यस बी ऑप्शन है। ओके चलो ये तो खैर लैंग्वेज का इतना खास यूज नहीं था इसमें, तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोग कर लोगे इसको। मैं सिर्फ इसकी वजह से करा रहा हूं, अगर करा रहा हूं तो भाई लिमिट क्या है, अपर लिमिट साइन एक्स से लेके 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर एफ ऑफ 1, और 1 का जब किया होगा तो आ गया होगा 0, माइनस ये आ गया होगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, और ये एफ ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का आ गया होगा आपका cos x, और इक्वल टू ये 0 हो गया होगा, और sin x का हो गया होगा cos x। फंक्शन निकालना है, यानी कि f ऑफ ये पार्टी खत्म, ये बचा एक cos x से एक cos x खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो f ऑफ sin x दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर x, ऐसा कुछ हो गया। क्या सोचते हो अब इसके बारे में? साइन एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, और वो 1/√3 दे ही रखा है। यस, तो 3 आ गया।
तो ये आपका आंसर हो गया। पूछा कुछ है, बताया कुछ है, घुमाया इधर से उधर। अब इसको देखो क्या है भाई लोगों, ये अपर लिमिट यानी कि एफ ऑफ एक्स, दूसरी पार्टी जीरो, एक्स का वन हो गया, ये वन एफ ऑफ वन इंटू जीरो माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहां से, एफ एक्स निकालना है। अगर एफ एक्स निकालने की मुझे जरूरत पड़ रही है, वो भी वन के साथ जरूरत पड़ रही है, तो ये हो गया आपका टू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वन, टू थोड़ी होगा, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स, एक्स भी है ना उसके साथ में, तो ये आपका मान लीजिए वन डाल दिया आपने, ये वन माइनस एक्स एफ ऑफ वन डाल दिया। अच्छा वन डालोगे यहां पर तो चलो इधर ले आओ उसको आप, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स दैट इज एफ ऑफ वन दैट इज वन, यही आ रहा होगा ना ऐसी कुछ। यस सर। तो वन अपॉन टू आ रहा है क्या आ रहा है, वन अपॉन टू, ये वन डालोगे जब तो ये एडजस्ट हो जाएगा। चलो बाद में डालना, पहले फंक्शन सारा सेग्रीगेट कर लेना, ऐसे कर लो, वरना हो सकता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो दिमाग में। यहाँ पे भी एक्स रखो और यहाँ पर वन डालने से वन प्लस वन यानी कि वन अपॉन टू कर लो। थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं लेवल, ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है यहां से, क्या करें इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, तो अगर यहां से मैं देखूं तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई कर देता हूं मैं इसको, इसके बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस फोर वाई स्क्वायर, और टू वाई आएगा इससे, आएगा या नहीं आएगा, टू वाई क्यों आएगा यार, वन आएगा, भाई डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस फोर वाई, ये आपका वन हो गया, तो अगर मैं इसको पलट के लिख दूं तो डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ वन प्लस फोर वाई स्क्वायर। अब इसका करना है मुझे वापस से डेरिवेटिव, एक बार और डेरिवेटिव करना है, एक और बार डेरिवेटिव जो इसके बराबर है, तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर वन अपॉन टू वन प्लस फोर वाई स्क्वायर, और जब इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, एट वाई आ जाएगा, राइट। तो वाई की वैल्यू डी वाई बाई डी, हाँ वाई क्यू डी टी दे रखा है ना आपको, तो यहाँ पे एक आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कहीं ना कहीं है, ये रही, यहाँ इसको पुट करोगे इससे कैंसिल होगा, फोर वाई समथिंग कुछ आ रहा है क्या आंसर, तो फोर वाई यहाँ से आ गया और के वाई आपका यहाँ पर है, तो वाई से वाई कट गया, के इक्वल टू फोर आ गया, क्लियर है। इसकी वैल्यू कहाँ से रख दी, यहाँ से रख दी, दो से इसको काटा होगा तो चार ये हो गया होगा, राइट, तो फोर वाई यहाँ से बचा, के वाई यहाँ इक्वल में दे रखा है, तो फोर आपका आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखो जरा इसको, ये दो क्वेश्चन होते हैं, एक इस फॉर्म में होता है और एक इस फॉर्म में होता है, पाई बाई फोर आपको प्रूव करना होता है। तो क्वेश्चन में तो देखो वैसे कुछ नहीं है, अगर मैं सिंपली देखूं तो साइन स्क्वायर यानी अपर लिमिट रखोगे तो साइन इनवर्स रूट में अगर ये रखोगे तो क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा, लोअर लिमिट रखने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि जीरो ही हो जाना है। अब इसको रखोगे कॉज इनवर्स और अंदर क्या बच जाएगा, कॉज एक्स बच जाएगा, क्लियर है ये बात, तो इसका मामला सेट हो गया, इसका मामला सेट हो गया, और कुछ है क्या, पाई बाई फोर प्रूव करना है यार इससे तो एक्स और एक्स, अच्छा ये एफ एक्स भी है, ये तो हम भूल ही रहे हैं, तो एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू, ये टू एक्स नहीं आ गया आपका एफ डैश एक्स,
क्या कहते हो, 2x ही आएगा? साइन से साइन खत्म हुआ, कॉस से कॉस खत्म हुआ। अच्छा एक लफड़ा मुझे कहीं लग रहा है सर, लेकिन अगर fx पाई बाय 4 के भी इक्वल है तो फिर तो f डैश x 0 आना चाहिए, दैट मींस x 0 आना चाहिए। वो तो कांस्टेंट टर्म होगी तो 0 ही आएगा। यस सर, मतलब 2x भी 0 हो जाएगा। हाँ, और अगर मान लीजिए x पाई बाय 4 के इक्वल है, फॉर एग्जांपल अगर पाई बाय 4 के इक्वल है तो किस तरीके से बताऊं मैं आप लोगों को, वो वैसे भी हमने पूरा तो से किया ही नहीं डिफरेंशिएट, साइन स्क्वायर एक्स को तो करेंगे ना डिफरेंशिएट। एक्चुअल में ये आएगा इसका जो अंदर आ रहा होगा ना, ये आ गया होगा साइन 2x और अंदर आ जाएगा 2x माइनस 2x। पता ही है बात आपको, या x माइनस x आएगा, मतलब अल्टीमेटली 0 आएगा वो। मैं इसको करा ही देता हूं, देखो ये हमने सीधा पुट किया, उसको किया नहीं, देखो तो एक्चुअल में स्क्वायर में फंक्शन दे रखा है, हमने वो भी ध्यान नहीं दिया। पहला काम ये करेंगे कि f डैश x इसमें पुट करेंगे तो साइन इनवर्स, यहां पर तो साइन x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका डेरिवेटिव भी तो करते हैं, और इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 2 साइन x cos x माइनस, अब लोअर लिमिट का तो कोई मीनिंग नहीं है यहां पर, तो छोड़ देते हैं प्लस। अब इस वाले फंक्शन के पास चलते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा cos इनवर्स cos x, और इससे भी क्या आ जाएगा साइन 2x, लेकिन क्या आ जाएगा यहां पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो मैं यहां पर नेगेटिव साइन लगा दे रहा हूं साइन 2x। अब साइन 2x कॉमन ले सकते हो, x और x यहां से बचेगा, तो अल्टीमेटली f डैश x क्या आ गया, f डैश x 0 आ गया, और f डैश x अगर 0 है तो इसका मतलब fx क्या रहा होगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन रहा होगा, और अगर fx कॉन्स्टेंट फंक्शन रहा होगा तो क्या कहता है ये मामला सर, हम बोल नहीं सकते ना k की पाई बाय 4 के इक्वल हो गया, तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है बिल्कुल। अब क्योंकि प्रूव करना है, अब देखते हैं कि किस कंडीशन में हो सकता है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की खास बात होती है ना, इनका एंगल सेम होता है, ये देखो ना पाई बाय 4 पर ये दोनों क्या देते हैं, सेम देते हैं। तो अगर मैं एक बार इसको रख के देखूं कि 0 से लेके अगर ये पाई बाय 4 है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो क्या दे देगा यहां पे 1 / 2 दे देगा सर। उसके बाद आप बता देना। तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूं, ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या मैं इसको, देखना ये पाई बाई 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। यस सर। ठीक है, तो पाई बाई 4 प्रूव करना है तो भैया ऐसे ही प्रूव होगा, और किसी वैल्यू पे प्रूव ही नहीं होगा, हिट एंड ट्रायल होगा सर। हाँ हिट एंड ट्रायल होगा, क्योंकि हमें एक एक चीज हिंट दे रखा था देखो हिट एंड ट्रायल में भी, कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर सेम वैल्यू दे देते हैं, बस ये एक हिट एंड ट्रायल था। तो सेम पैटर्न पर ये नीचे वाला है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला सर। वैसे हिट एंड ट्रायल की हमको जरूरत नहीं है, ऊपर जो फंक्शन है वो एक्स की कोई भी वैल्यू में के ही देगा, तो अगर मैं एक्स को 0 रख दूंगा तो पहला इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा, 0 से 0, दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा 0 से 1 cos इनवर्स रूट टी, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी 5/4 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ठीक रहेगा, मुझे लगता है ये मेथड भी ठीक है, ये जो है हमारे पास। यस, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें लगता है रखनी चाहिए कि भाई पाई बाय 4 कहां पर आ सकता है या क्या सोच लगा सकते हैं हम यहां पर। खैर एनीवे आप और भी ट्राई कर सकते हैं।
इस टाइप का क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन करा रहा हूं इसका। देखिए लिमिट लगी हुई है इसमें, अब तक लिमिट नहीं थी किसी क्वेश्चन में जो भी हमने इसके किए हैं, अब लिमिट लगी हुई है तो गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर x टेंड कर रहा है जीरो से जीरो, जीरो से x स्क्वायर cos t dt अपॉन ऑफ x sin x, देखना क्या ये जीरो बाई जीरो फॉर्म दिख रही है आप लोगों को या नहीं दिख रही है, यस और नो? भाई एक्स स्क्वायर वहां पे रखोगे, एक्स स्क्वायर रखने के बाद लिमिट में यही रखोगे? अल्टीमेटली भाई एनीथिंग अपॉन जीरो यानी समथिंग अपॉन जीरो आ रहा है, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म ही होगी, और जीरो बाई जीरो फॉर्म जब होती है तो उसके बाद क्या लगता है? एल हॉस्पिटल लगता है, ठीक है। तो अगर मैंने एल हॉस्पिटल लगा दिया तो ऊपर का अलग डेरिवेटिव करूंगा, नीचे का अलग डेरिवेटिव करूंगा। ऊपर का डेरिवेटिव हम सीख के आए हैं, क्या होगा कॉज एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x, नीचे का मामला हो जाएगा सारा गायब, ठीक। नीचे नीचे क्या आ जाएगा x sin x plus cos x, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यही आएगा, राइट है? तो x, अब ये cos x स्क्वायर है, ये 2x है, ये x sin x है, मैं कुछ कर पाऊं नहीं कर पाऊं, मैं इतना तो कर ही सकता हूं कि लिमिट मेरी x टेंड्स टू जीरो है। तो अगर लिमिट मेरी x टेंड्स टू जीरो है तो मैंने अपनी मर्जी से यहाँ x से डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ये पार्टी हो गई मेरी वन। क्या ये बात क्लियर है सबको, यस और नो? अच्छा मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है, एक चीज और दिखाई दे रही है, ये जो डेरिवेटिव है ये सही किया है क्या मैंने? वो कह रहा था गलत कर दिया है ना, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो ये सेम रहता है, इसका साइन एक्स का कॉज एक्स होता है, अगली बार साइन एक्स सेम रहता है तो इसका वन होता है, तो ऐसा कुछ होता है, यानी क्या होगा एक्स कॉज एक्स और साइन एक्स होगा, तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई है हमसे, तो हम इसको ठीक से लिख ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा कुछ है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। लो ये हो गया हमारा वन, अल्टीमेटली हमारे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, दैट इज 2x cos x स्क्वायर अपॉन ऑफ, यहां भी x यहां भी x, एक x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cos x बचा, राइट एक x से एक x का अंतिम संस्कार हो गया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो हो गया, ये आपका cos x स्क्वायर है, ये आपका 1 प्लस cos x। अब आप देखिए जीरो बाई जीरो फॉर्म तो नहीं है कुछ भी हो, तो ये जीरो हो गया, ये 1 प्लस cos 0 हो गया, सब मिला के 1 अपॉन 2 हो गया। क्या ऑप्शन है कहीं पर 1 अपॉन 2 तो नहीं है कहीं भी, एक 2 भी था ना यहाँ पे, तो ये 2 और रह गया, तो ये 1 हो गया, है कहीं पर डी ऑप्शन। क्लियर है भाई सबको? यस सर। अच्छा तो अगर डी इसका सही आंसर है तो अब ये रहा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने शायद किया है कहीं पर, यस सर भी किया है, ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन है इसको कर लो ट्राई, चलो ट्राई जाना, हाँ किया भी है वैसे भी, और एक ये वाला ट्राई कर लो कि इसके जैसा हमने जस्ट अभी किया है, तो एक बार ट्राई कर लो कि जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है ये, तो कर लो इसको ठीक पहले करके बता दो क्या आएगा। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन आ रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल लगा होगा, एल हॉस्पिटल ने इसको कर दिया होगा कॉज एक्स स्क्वायर और वन, कॉज एक्स स्क्वायर और वन और जीरो पुट करना, तो वन आंसर आ रहा होगा, तो देख लीजिए बाकी सब लोग। तो ये हो जाएगा अब आपसे, यस सर, ऑब्वियस सी बात है ये भी हो जाएगा, यस। ये देखो क्या है कि लेट एफ सच दैट आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर वी डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ वन इक्वल टू फोर,
वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर टू fx 2t अपॉन x माइनस 1 dt. देखो क्या अपॉन x माइनस 1 होगा t माइनस 1 होगा. x माइनस 1 ही लग रहा है मुझे तो. x माइनस 1 ही लग रहा है मुझे तो भाई. देखते हैं क्या होता है. सर तो कोई x और t में रिलेशन नहीं है. ये डॉट dt लिखा हुआ है, डॉट dt लिखा हुआ है ना. लिमिट x टेंड्स टू 1 अगर मैं इसको पुट करूंगा तो 2f ऑफ x पुट करूंगा. और इसका f डैश x पुट करूंगा. और इसका 1 करूंगा. तो इससे आ गया 2f ऑफ 1 और f डैश 1. ये 2 है, ये 4 है, ये f डैश 1 है. तो 8f डैश 1 है. कोई ऑप्शन क्या? ए ए ही है. किसी को कोई और अप्रोच सूझ रही है क्या इसमें? क्योंकि ये पता है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को. अच्छा ये क्वेश्चन पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है ये क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा होगा. देखो समझो इस बात को. ये क्वेश्चन ऐसे रहा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 4 से लेके fx 2t dt अपॉन में x माइनस 1. मुझे ऐसे लगा रहा होगा ये क्वेश्चन. क्या क्लियर है ये बात सबको? यस सर. क्योंकि ये फाइनली 0 बाई 0 फॉर्म रही होगी. समझ गए बात को? तो ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग, और फिर सॉल्व कर दिया. तो दिस इज एक और है, इसको देख लो जरा क्या है ये. एफ एक्स 122 माइनस टी स्क्वायर डी टी देन रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 0. करो ट्राई, कुछ हो जाए तो. लास्ट ही ऐसा ही क्वेश्चन इस चैप्टर का. हुआ बेटा किसी से? क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं. चलो हम भी देखें. एफ एक मिनट मैं थोड़ा सा चेक कर लूं इस क्वेश्चन को. अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 आएगा और बाकी का 0 आएगा. तो यहाँ पे कुछ झोल है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में झोल क्या है? ये मुझे लगता है ना, ये वाली पार्टी एफ डैश एक्स होगी. ये 0 होगा नहीं, ये ऐसे होगी एफ डैश एक्स. और एफ डैश एक्स को आपने यहाँ पे पुट किया होगा एक्स स्क्वायर. ये हो गया होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया होगा एक्स की पावर 4 और 2 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0. इसका मतलब टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0. इसका मतलब टी स्क्वायर प्लस 2 टी माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहां से एक फैक्टर तो आ जाएगा माइनस 2 और एक फैक्टर आ जाएगा टी इक्वल टू 1. टी की वैल्यू क्या है भैया? एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 2 और एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. इससे आ जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1. और इससे तो कुछ आना नहीं है. चेक करो क्या ऑप्शन है कहीं. क्वेश्चन में एरर थी जो ये क्वेश्चन है ना, ये था नहीं और ये एफ डैश एक्स था. तो इसकी जगह पे मैं कर दे रहा हूं एक्स स्क्वायर दैट इज एफ डैश एक्स. ये रहा होगा. क्लियर है भाई? यस ठीक है. तो एक क्वेश्चन ये रहा.
इसको लगाओ क्या है ये लिमिट जब भी हो ना लिमिट इज थ्योरम के क्वेश्चन में क्या चेक करना होता है जीरो बाय जीरो एग्जैक्टली जीरो बाय जीरो फॉर्म चेक करनी होती है क्या जीरो बाय जीरो फॉर्म है यस है अगर है तो एल हॉस्पिटल करना होता है मुझे याद है जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था एक जमाने में तो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर लिमिट वाला चैप्टर था तो मैंने ढूंढ ढूंढ के सिर्फ ढूंढ ढूंढ के एल हॉस्पिटल वाले क्वेश्चन करता था बाकी क्वेश्चन नहीं करता था क्योंकि सबसे इजी सिंपलेस्ट वही लगते थे कि ढूंढ ढूंढ के एल हॉस्पिटल चेक कर लो पहले जीरो बाई जीरो फॉर्म चेक कर लो फिर एल हॉस्पिटल लगा के उनको कर लो उसमें भी क्या आ जाता था डबल डेरिवेटिव करना पड़ जाता था कभी कभी भाई एक बार डेरिवेटिव करने के बाद भी वो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है फिर उस क्वेश्चन को मैं वहीं छोड़ देता था मतलब पूरा आलसी था मैं चलो करें आगे भाई हो गया सर इसमें शायद x बाय 2 होना चाहिए क्या होना चाहिए सर सीकेंट स्क्वायर x है ना वो तो 2 बन रहा है अच्छा सर शायद x बाय 2 होगा तो पाई बाय 2 हो जाएगा फिर 0 बन जाएगा चलो देखते हैं क्या होगा अगर ओके चलो 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 पाई स्क्वायर बाय 16 तो जीरो बाय ऊपर वाला जीरो नहीं बन रहा राइट चलो एरर होगी तो पता लग जाएगा अभी तो एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स रहा होगा और sec square x का डेरिवेटिव करना पड़ा होगा तो ये 2 sec x हो गया होगा और sec x का sec x tan x हुआ होगा चेक कर रहे हैं ठीक है तो ऊपर का डेरिवेटिव अलग और नीचे का डेरिवेटिव अलग ये हो गया 2x इस 2 से ये 2 कट गया होगा f of sec square x हुआ होगा ये आपका sec square x और tan x हो गया होगा नीचे आपका x बच गया होगा लिमिट है पाई बाई 4 फॉर एग्जाम्पल अगर मैं sec की यानी कि x की वैल्यू पाई बाई 4 रख भी दूं तो पाई बाई 4 मतलब होता है cos 1 बाई रूट 2 होता है तो 2 हो जाएगा ये तो यहां से f 2 आ जाएगा पहली बात तो यानी ये मिलेगा f 2 हां बोलो तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में नहीं बनते 0 बाई 0 फॉर्म 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बन रही ना यस सर स्टार्टिंग में तो फिर हम उसे एल ऑपरेटर नहीं लगा सकते ना उसमें हां मैं एक बार चेक कर लूंगा उसमें क्वेश्चन में कुछ एरर है क्या है अभी पता लग जाएगा ना जैसे आपने कहा कि 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बन रही है तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन करके कहीं गड़बड़ होगी तो पता लग जाएगा अभी ठीक है तो ये f2 बन गया होगा अगर मैंने यहां पर रखा तो ये आपका 2 बन गया होगा और tan पाई बाई 4 1 होता है और ऑब्वियस सी बात है मैंने यहां पर भी रखा होगा पाई बाई 4 को तो ये 8 ये 4 ऊपर चला गया होगा 8 f2 अपॉन पाई हो गया होगा तो ऐसा ए ऑप्शन है तो और ये 0 बाई 0 फॉर्म बन नहीं रही है तो फिर इसका मतलब क्या रहा होगा फंक्शन में कि वो 0 बाई 0 फॉर्म बन जाए x बाय 2 होना चाहिए यहां पर इस जगह पर सीकेंस पर x बाय 2 फिर पाई बाय 4 डालेंगे वो सॉरी 2x होना चाहिए तो पाई बाय 2 हो जाएगा हां हां फिर sec पाई बाय 2 होता है इनफिनिटी जाता है इनफिनिटी जाता है फिर क्या एरर है इस क्वेश्चन में ये नहीं चल रहा है x एक एक ही हो सकता है कि यहां पे गिवन होना चाहिए था कि f2 जो है वो 0 है f2 चीज ft नहीं सर f2 अच्छा आप ये कह रहे हो कि ये चीज गिवन होनी चाहिए जीरो होना चाहिए f2 जीरो है ये गिवन होना चाहिए था है ऐसा तो ऐसे कुछ होता तो अगर f2 गिवन होता तो वो जीरो हो जाता वो पूरा फंक्शन है ना ऊपर का सर जरूरी थोड़ी है कैपिटल f2 माइनस कैपिटल f0 जीरो होना चाहिए यस लेकिन ये तो पूरा क्वेश्चन हो गया मतलब क्वेश्चन में आंसर कर दिया क्वेश्चन में आंसर कर दिया हमने तो चलो इसको मैं देखूंगा क्या है इसमें एरर है मैं एक बार बता दूंगा जो भी है और देखते हैं
कुछ है अगर तो ये देख लो एक क्वेश्चन क्या करेंगे इसमें मेरे हिसाब से सिंपल है ना क्या करना है नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन दिखाई दे रहा है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं अपने को ये आपका हो जाएगा e माइनस वाई स्क्वायर और जीरो वाला पुट करोगे नहीं अब y का क्या करोगे y का dy वाई अपॉन डी एक्स कर लोगे और प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और ये सब दे रखा है जीरो के बराबर तो ये सारी पार्टी उधर चली जाएगी तो हम लिख देते हैं माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर और ये जो e की पावर y नीचे आ रहा है ये ऊपर जाके प्लस के y स्क्वायर हो जाएगा तो देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कोई भी नहीं रखा 2x 2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो ये प्लस होना चाहिए तो हो सकता है अदरवाइज तो होगा नहीं कोई सा भी 2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये वाला है ना शायद ये वाला इसमें माइनस नहीं रखा अच्छा माइनस दे रखा है तो यहीं कहीं गड़बड़ है तो ये प्लस होना चाहिए इसमें भी बी दे रखा है ना शायद हाँ तो यहाँ प्लस होगा क्लियर है सबको यस सर ओके तो भाई दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेट इंटीग्रल जिसका हो गया आज अंतिम संस्कार बस रिवाइज करते रहना साइड लाइन मत कर देना बिल्कुल उठा के हालांकि साइड लाइन कर भी नहीं पाओगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल अभी यूज होने वाला है अगले चैप्टर में एरिया में और कोशिश करना कि एग्जाम की वजह से एरिया ना छोड़ो आप लोग ठीक है क्योंकि वहां से पक्का क्वेश्चन आपने देखा होगा जेई में एक या दो क्वेश्चन तो पक्का आ ही रहा है पिछले कई सालों से yes, sir. है ना तो वो तो हमें करना ही है ढंग से तो वो चैप्टर कर लेंगे और हम कोशिश करेंगे थोड़ा और फास्ट भगाएं ताकि कर करा के जल्दी से फिर रिविजन मोड में हम चले आए राइट बच्चों सही जरा से जेई का पेपर कब होगा बेटा चार बार होगा चार बार होना है जैसे फर्स्ट टाइम वाला कब होगा पिछली डेट सीट को अगली डेट सीट को फिर मैं आपको बताता हूँ कब होगा ठीक है थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं थोड़ा इधर उधर के न्यूज व्यूज पढ़ लेते हैं दो चार फिर मैं आपको बताता हूँ कब होगा ठीक है थोड़ा ठीक से पता करके बताऊं क्योंकि मुझे लगता है कि बोर्ड से पहले होना चाहिए बाद में नहीं होना चाहिए एक पेपर तो हो जाएगा बोर्ड से पहले और एक पेपर फिर बोर्ड के बाद बोर्ड के बीच में होगा नहीं क्योंकि पिछली बार क्लास हुआ था पिछली बार भी एक पेपर बोर्ड से पहले हुआ था ना ठीक है अपन तो मैं और फिगर आउट कर लेता हूँ फिर आपको अगली क्लास में डिस्कस करता हूँ इसको लेके ठीक है बच्चों सर आपके कभी खेलते समय स्कूल टाइम में पैंट फटी है खेलते टाइम नहीं देखो तुम्हें याद दिलाता हूँ मैं तुम लोग शायद छोटे हो अभी तो आइडिया नहीं होगा हमारी दिल्ली में ना ये ब्लू लाइन बसें चलती थी नहीं ब्लू लाइन बस होती थी प्राइवेट बसेस होती थी तो शीला दीक्षित की गवर्नमेंट होती थी उस टाइम पर तो शीला दीक्षित ने क्या किया रिलायंस वगैरह से मिलके ये प्लान किया कि सारी जो है ब्लू लाइन बसें पेट्रोल पे चलती थी वो पेट्रोल डीजल पे इन सारी बसों को हटाएंगे क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा था और सीएनजी लेके आए थे पहले ऑटो हटवाए उन्होंने सारे तो ये सीएनजी वाले जो ऑटो आए थे ये आए तो ब्लू लाइन बसों को हटाने का प्लान किया गया और ये क्लस्टर बस जो आजकल चल रही है इनको लाने का प्लान किया गया तो ब्लू लाइन बसें ये उन्होंने बैन कर दिया अब बैन करने की वजह से क्या हुआ कि स्कूल जाना होता था अब हम थोड़े बड़े हो गए थे तो फिर स्कूल बस में तो जाते नहीं थे नालायक हो जाते ना बड़े होके तो स्कूल बस में जाते नहीं थे ऐसे लटके लटक लटक के बसों में जाते थे तो कई बार स्कूल पहुंचते थे कई बार कहीं और पहुंच जाते थे तो एक बार बैन हो गई सारी बसें रोड पे बस नहीं मिल रही तो ट्रक में लटक के जा रहे थे ट्रक होता है ना जो जिसमें माल वगैरह भर के जाता है केले सब्जी वगैरह भर के जाती है तो उसमें लटक गए तो उसमें वो होता ना गेट होता है पीछे डाला बोलते हैं उसे उस पर लटक गए तो उसमें ना ऐसे हैंगल निकले होते हैं रस्सी बांधने के लिए तो अपन जो है 12th की शुरुआत थी नए नए कपड़े पहने मतलब नई यूनिफॉर्म थी पहने और जैसे ही डाले की तरफ वो पैर बढ़ाया तो ये जो नी होती है नी से फट गई नी जितनी है मैंने साल भर वही पहनी मैंने उस पर रफू भी तक नहीं कराई
घर वाले भी कहते थे कि क्या लड़का है। आज हमारी फटी थी कबड्डी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे थे ना हम, तो चार बार फटी रेडर्स की हमारी। तुम कबड्डी स्टेट लेवल के प्लेयर हो? यस सर, अभी जोनल पास करा। चलो अच्छा है। और कोई स्पोर्ट खेलते हो? फुटबॉल खेलता हूँ, फुटबॉल जोनल सेकंड रनर अप रह चुके हैं। अच्छा ग्रेट। और कोई बच्चा है कोई स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने वाला? ये सब पेंटिंग बना रहे हो। कुणाल, कुणाल खेलते हो बेटा? पहले गया था चेस में। चेस में? अच्छा गुड, मतलब दिमाग वाले खेल खेलते हो। और ये सोमिल? कैजुअली खेल लेता हूं। क्रिकेट वगैरह खेलते हो? यस सर, कैजुअली खेलता हूं लेकिन ऐसे कंपटीशन नहीं। अच्छा कैजुअली खेलते हो। ओके अबुजार, आप खेलते हो? सर पहले खेलता था लेकिन अब नहीं खेलता। Okay. स्कूल में भी अब हो ही नहीं रहे कुछ, कोरोना Okay. के चलते। हाँ ये भी है। और तो ये स्कूल जाते हैं पूरे दिन वही खेलते रहते हैं, पढ़ाई नहीं होती ना। आजकल तो कुछ हो ही नहीं रहा होगा। ग्राउंड में बैठे रहते। दिखता कौन सा स्पोर्ट खेलते हो बेटा? दिखता है या नहीं? नो सर नहीं है। हमारे स्कूल में तो जब गर्ल्स आती हैं भगा देते हैं, भागो ऐसा मैं खुद खेलेंगे। अच्छा नहीं भाई, उनका भी हक है खेलने का। टेबल टेनिस देता ही नहीं, हम नहीं दे रहे, हम खेल रहे हैं पहले। टेबल टेनिस वगैरह खेला है मैंने कॉलेज लेवल पे। कॉलेज में क्रिकेट तो होता ही था और कॉलेज वॉलेज पे टेबल टेनिस खेला है। थोड़ा प्यारा गेम है टेबल टेनिस। लेकिन स्पोर्ट्स खेलने चाहिए, जो आपके आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं ना उनको तो जरूर ट्राई करना चाहिए। स्कूल वगैरह में हो सकता है और कहीं ट्राई तो होता नहीं है। जब टेबल टेनिस में स्मैश लगता है। चलिए अच्छा है, खेलिए स्पोर्ट्स खेलिए सभी लोग, लेकिन फिलहाल जेई पर फोकस कीजिए। जेई हो जाएगा तो कॉलेज में बहुत सारे मौके मिलते हैं, बहुत सारे मौके मिलते हैं ये सब खेलने के। वहां पे खेलते रहना, आराम से लाइफ को एंजॉय करना, बस पहुंच जाओ वहां तक। राइट, चलिए बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एरिया अंडर द कर्व, उसको लेके मिलते हैं। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।